हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, आज है 13 सितंबर 2021 और आज की इस वीडियो हम लोग 13 सितंबर के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग मुख्य खबरें देख सकते हैं। इन सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, जैसे विभिन्न पदों पर बम्फर भर्तियाँ, उसके बाद BHU एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद AU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे और UP BEd काउंसलिंग 2021 के बारे में बात करेंगे और भी मुख्य खबरें हैं। सभी खबरों को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम ग्राम समाज एवं विकास की जो है कौन सी बुक लें लेखपाल की तैयारी के लिए, तो आप लोग जो है चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका देखिए कवर देख सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन ग्राम समाज एवं विकास, राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित परीक्षाओं के लिए ये बुक जो है उपयोगी है। इसमें जो है आपको 1100 प्लस गत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, साथ ही 2 शॉल पेपर देखने को मिलेंगे। ये बुक आपको जो है हर मार्केट पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप लोग जो है इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर करके घर बैठे आप लोग मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छे से इसमें जो है समझाया गया है। ये स्पेशल बुक है और जैसे आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, तो आप लोग चक्षु की पब्लिकेशन के जो है प्रैक्टिस सेट की बुक भी ले सकते हैं लेखपाल की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको देखने को मिलेगा और साथ ही अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग जो है इनकी गाइड भी ले सकते हैं, संपूर्ण गाइड आती है इनकी। तो ये तीनों बुक हैं चक्षु पब्लिकेशन के लिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया है, उसमें आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं बुक से संबंधित। यहाँ पे पहली खबर आप लोग देख सकते हैं, पहली बार विधायक बने भूपेंद्र, गुजरात के CM शपथ आज। इससे पहले जो गुजरात के CM थे वो थे विजय रूपानी, अब जो होंगे वो होंगे भूपेंद्र। यहाँ पे देख सकते हैं गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय में भूपेंद्र पटेल के साथ विजय रूपानी। तो अब जो हैं गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे भूपेंद्र पटेल, आज जो है इनका शपथ होगा। ठीक है, आगे खबर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विभिन्न पदों पर बम्फर भर्तियां हैं, कहाँ पे असिस्टेंट कोच के पदों पर करें आवेदन। भारतीय खेल प्राधिकरण पदों का विवरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विभिन्न खेलों में असिस्टेंट कोच यानी कि 4 वर्षीय अनुबंध के आधार पर होना चाहिए एंड पदों की संख्या यहाँ पे है 220। आयु सीमा यहाँ पे अधिकतम 40 वर्ष, उम्मीदवार की आयु की गणना के जो है 10 अक्टूबर 2021 के अनुसार होगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है पात्रताएं क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार भारतीय खेल प्राधिकरण ASI NS NIS संस्थान से कोचिंग में डिप्लोमा अथवा ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भागीदारी या द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता हो। आवेदन इसका जो होगा ऑनलाइन होगा। आवेदन की जो अंतिम तारीख होगी वो होगी 10 अक्टूबर। यहाँ पे अगली देख सकते हैं, वित्तीय क्षेत्र में अधिकारी बनने का मौका है राजस्थान लोक सेवा आयोग में। पद का विवरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सांख्यिकी अधिकारी, टोटल जो पद हैं वो हैं 43, आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष और आवेदन शुल्क जो है 350 रुपये है और यहाँ पे ये वेबसाइट दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, पात्रताएं वगैरह देख सकते हैं अच्छे से और इसके जो लास्ट डेट है वो है 2 अक्टूबर 2021। प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी का जो है पद है और आयु सीमा अधिकतम इसमें जो है 30 वर्ष होने चाहिए और कुल पद 300 मैंने बता दिया। आवेदन शुल्क 750 रुपये है। ऑनलाइन पात्रताएं, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक प्रस्नातक की डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएँ होनी चाहिए। जो अंतिम तारीख है वो है 21 सितंबर, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित विभिन्न पद रिक्त हैं, कहाँ ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कुल पद हैं 16 पद। यहाँ पे अधिकतम जो आयु सीमा है वो 32-35 अलग अलग है और आवेदन शुल्क इसमें जो है 236 रुपये है। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो है 20 सितंबर 2021, ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये रही वेबसाइट, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेदन का समय जो है पूरा हो गया है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी। BHU की जो है जो लास्ट डेट थी कल थी, यहाँ पर देख सकते हैं BHU में UG PG में दाखिले के लिए आवेदन की समय सीमा रविवार को जो है समाप्त हो गई है।
तो फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी कल, और एनटीए जो है इसका एग्ज़ाम करवा रही है 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जो है, वाराणसी सहित देश भर में 185 केंद्रों पर परीक्षा इसकी जो है कराई जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 13 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा फीस जमा करने और 14 और 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ियों में सुधार करने का मौका है। अगर जैसे कल तक आप लोग फॉर्म भर दिए थे, किसी कारणवश आपकी फ़ीस नहीं कटी है, तो आप लोग जो है आज तक फ़ीस कटवा सकते हैं और कल और परसों फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकते हैं कुछ भी जैसे गड़बड़ियाँ हुई हैं। विश्वविद्यालय में इस बार एनटीए की ओर से प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। इस बार यूजी में 23 और पीजी में 94 कोर्स के लिए 14 अगस्त से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले 6 अगस्त और बाद में आवेदन की तिथि 12 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। आवेदन की तिथि रविवार को बीत गई है। ऐसे में आवेदन करने वाले छात्रों की प्रवेश परीक्षा का इंतजार है। 28 सितंबर से होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए एनटीए की ओर से पहले ही यूपी और उससे बाहर के राज्यों में 185 केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद एयू का जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कल भी मैंने अपडेट दिया था इसके बारे में कि कितने फॉर्म जो है भर गए हैं, कितने फाइनल सबमिट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आज की अपडेट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 2 दिनों में जो है 3169 आवेदन हुए हैं। टोटल 3169 जो है आवेदन हो गए हैं। टोटल जो इसमें रजिस्ट्रेशन हो गए हैं वो हो गए हैं 17681। जो इसमें फाइनल सबमिट हुए हैं फॉर्म वो 3169। ओके, आगे खबर देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शिक्षकों के जो हैं 35,000 पद खाली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर जो है धरना आज है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एलटी के जो हैं 8,500 पद रिक्त पड़े हैं, ठीक है। तो कल जो है अभ्यर्थी ने जो है मंत्री से जो है बात की है, कैबिनेट मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बारे में जो है संबंधित लोगों से बात कर सकेंगे। आगे देख सकते हैं यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 को लेकर यहाँ पे कुछ कमेंट आए थे, तो उनका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे जैसे एक कमेंट आया था, क्या जो है जनरल वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स सबके सेम लगेंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है कैटेगरी में, ठीक है। एक और कमेंट यहाँ पे आया था, सर काउंसलिंग के टाइम हमें अपने पर्सनल एटीएम कार्ड से पैसा देना होगा या साइबर कैफे वाले को कैश दे देंगे। तो देखिए, आप लोग किसी भी तरह जो है कैश दे सकते हैं, अपने एटीएम कार्ड से भी कटवा सकते हैं या साइबर कैफे वालों से, ठीक है। और जैसे आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसमें जो 46,250 रुपये फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी वो भी ऑनलाइन आपकी फ़ीस कटेगी, ठीक है। वो आपको अपने खाते से कटवाना पड़ेगा क्योंकि साइबर कैफ़े वाले इतना रिस्क नहीं लेते हैं, तो आपको अपने खाते से ही उसमें जो है पेमेंट करवाना होगा। और काफ़ी सारे जो हैं कमेंट आते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि काउंसलिंग में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था तो केवल उसकी जो है मार्कशीट लगेगी, ठीक है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उस मार्कशीट को निकलवा कर जहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन किए थे तो वो उस कॉलेज से जो है प्रिंसिपल की सिग्नेचर और कॉलेज की मोहर लगवा के अटेस्ट करवा लीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट करके देंगे आपका जो है फॉर्म, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। बाकी आई वगैरह बनवा लीजिए आप लोग, स्कॉलरशिप में काम आएगा, ठीक है। जितनी कम की हो सके उतनी बनवा लीजिएगा। ये मत कमेंट करिएगा कि हम कितने की बनवा लें, देखिए आपके इनकम के हिसाब से ही बनेगी ना। मैं थोड़ी बता दूंगा कि इतने की आप लोग बनवा लीजिए, वो तो बनेगा नहीं। तो आप लोग अच्छे से बनवा लीजिएगा। आय हो गया, जाति हो गया, निवास कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो ये हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक दिन में बन जाते हैं वो सारे के सारे। तो ये थी आज की अपडेट। ऐसी ही अपडेट मॉर्निंग में पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप लोग डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक यू।